केजरीवाल जी का जो विजन है उसके हिसाब से कि दिल्ली को ईवी कैपिटल देश का बनाना है। आज दिल्ली गवर्नमेंट की ओर से देश का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग का टेंडर फ्लोट कर दिया गया है। इसके अंदर 100 लोकेशंस के ऊपर 500 पॉइंट्स लगाने का प्रोविजन रखा गया है। तो ये 500 चार्जिंग पॉइंट्स जल्द से जल्द दिल्ली के अंदर लगा दिए जाएंगे, जिससे कि लोग ईवी व्हीकल लें और उनको घर से बाहर भी चार्जिंग की सुविधा मिल सके। इसमें जो भी चार्जिंग स्टेशन होंगे 20% जो होंगे स्लो चार्जर्स एंड 10% मिनिमम फास्ट चार्जर्स भी साथ में रहेंगे। तो पूरी दिल्ली में 500 एक तरह से चार्जिंग पॉइंट्स होंगे और 100 लोकेशंस के ऊपर इनको हम कर रहे हैं। और दिल्ली जल्द ही कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली को जल्द से जल्द जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर कन्वर्ट किया जा सके उस पर हम लगे हुए हैं। एनी क्वेश्चन? 100 लोकेशंस पर 500 पॉइंट्स हैं। एक हफ्ते पूरा हो जाएगा? आज टेंडर किया गया है, मुझे लगता है कि कोशिश रहेगी 1 साल के अंदर सारा कंप्लीट कर लिया जाए। सर बसेस को भी कन्वर्ट करने का? बसेस का अलग है, इससे बसेस का नहीं है। बसेस तो कन्वर्ट नहीं होती हैं, बसेस इलेक्ट्रिक बस आती है तो बस डिपो में ही उनके पॉइंट अलग से होंगे। जो डीटीसी बस आई ना, जैसे 1,000 बस आने वाली है। क्वेश्चन था सीएनजी से क्या ईवी की नहीं, नहीं कन्वर्जन नहीं होता है, वो नई खरीदी जा रही है। ये बसेस को या गाड़ियों को कन्वर्ट करने का पॉलिसी नहीं है, उनके लिए चार्जिंग स्टेशंस बनाने का पॉइंट वो है, प्रपोजल है। दिल्ली में 100 चार्जिंग स्टेशंस बना रहे हैं जिसमें 500 पॉइंट्स होंगे। चार्जिंग स्टेशन के लिए कोई फीस वीस कुछ तय हुई या नहीं? बहुत ही नॉमिनल रखे जाएंगे, आपके रेट कम रखे जाएंगे। अभी तैयार नहीं? जो रेट अभी भी हैं वही रहेंगे। डीआरसी ने रेट डिक्लेयर किए हुए हैं, 4 रुपये यूनिट या 5 रुपये यूनिट है, वही रहेगा। हंड्रेड लोकेशंस हैं, हर लोकेशन पर 5 पॉइंट होंगे, 500। सर वहां पर क्या व्हीकल को चार्ज करना पड़ेगा या चार्ज बैटरी मिलेगा अपना? अभी ये चार्जिंग स्टेशंस हैं, मतलब वहां पर चार्ज होगा व्हीकल। अच्छा, चार्ज करना पड़ेगा। जी, ये स्वैपिंग स्टेशन नहीं है, बैटरी स्वैपिंग स्टेशन अलग बनेंगे। सर जैसे 4 व्हीलर या 2 व्हीलर के वाहन है तो उनके लिए अलग अलग पॉइंट होंगे? हाँ जी, हाँ जी, उसमें वो वोल्टेज अलग अलग होती है। ठीक है, थैंक यू। कम से कम 10% फास्ट होंगे और 20% कम से कम। अभी कितने चार्जिंग स्टेशन हैं सर आपके पास? अभी तो बहुत फ्यू हैं, मतलब पब्लिक, देखो क्या होता है, चार्जिंग स्टेशन डीटीसी बस के अंदर है, उसको पब्लिक स्टेशन नहीं बोलेंगे। हम ये पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगा रहे हैं जगह जगह पर, जहाँ पर आपको जैसे पब्लिक जहाँ पर जाती है वो सब जगह पर लगा रहे हैं। ये मोस्टली 4 व्हीलर के लिए होगा? दोनों के लिए होगा जी। आज हमने स्टार्ट कर दिया, ऑलरेडी कल से स्टार्ट किया। सर इसको डिस्कॉम इसका रख रखाव करेंगे दिल्ली गवर्नमेंट? दिल्ली डिस्कॉम्स नहीं, डीटीएल ने इसका टेंडर किया है और डीटीएल के थ्रू इसको कॉमन एक लिए इसलिए किया कि पूरी दिल्ली में 20 एजेंसी या 50 एजेंसी की लैंड है, तो सबको अलग अलग टेंडर ना करना पड़े, इसको कॉमन करके कॉमन एक प्लेटफॉर्म पे किया गया है।